तो आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल साबूदाना का चीला। आप इसको किसी भी व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 स्कूप साबूदाना लिया है, जिसको 4 to 6 टाइम हम अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि जो व्हाइट स्टार्च है वो निकल जाए। और इसमें उतना ही पानी डालेंगे जितने में ये डूब जाए और 2 घंटे सोक के लिए रख देंगे। अभी हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, हमारा साबूदाना जो है वो अच्छे से भीग चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से खिला खिला और अलग अलग है। यहाँ पर हम फली को रोस्ट कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से उसका छिलका निकाल के क्लीन कर लेंगे। फली को मैंने साबूदाना का 1/4 लिया है। अभी फली को डाल के मिक्सर जार में क्रश कर लेंगे। हमको इसको बहुत ज्यादा पाउडर नहीं करना है। 1 कटोरी साबूदाना के लिए 1 बॉइल्ड आलू को कद्दूकस कर लेंगे। 1/4 टेबल स्पून जिंजर एंड ग्रीन चिली, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1/4 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट। साबूदाने का 1/4 हम फली का जो पाउडर जो हमने रोस्ट किया था वो क्रश करके हम यहाँ पे डालेंगे। धनिया पत्ता। अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ये मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालूंगी। 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 स्पून ऑयल डाल के उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रखें कि हमको पहले ही गैस का फ्लेम जो है वो ऑन नहीं करना है। हम ठंडे तवे पे ही अपना इस तरह इतना बड़ा लोई लेके अपने चीले को उसको अच्छे से दबाते हुए इस तरह से फैला लेंगे। अभी अच्छे से मैंने इसको फैला लिया है। अभी हम अपने गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको लो फ्लेम में ही पकाएंगे। और इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और इसको ढक के लो फ्लेम में पका लेंगे। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी इसको पलट लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा साबूदाने का चीला बनकर रेडी है। हम इसको स्वीट दही या मसाले दही के साथ में खा सकते हैं।